नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, आप जहां भी चले जाएं, क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या राजनेता और क्या सरकार की संस्थाएं, हर व्यक्ति यही बोलता है कि हम देश के युवाओं के साथ अच्छा करना चाहते हैं, ये योजनाएं लाए हैं, देश का भविष्य उज्ज्वल हो। ये सब कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन जहाँ ऑनलाइन गेमिंग का ऐड इतने तेज़ी से शुरू है, एडवर्टाइजमेंट जो खुल्लम खुल्ला दिख रहा है, वो सारे राजनेता, अभिनेता, सरकार की संस्थाएं, पुलिस, माननीय जिलाधिकारी, सबको दिख रहा है। क्या इसको देखने से युवाओं का भविष्य खराब नहीं हो रहा है? तो फिर आप इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इसे खुल्लम खुल्ला लगने दिया जाता है। खैर, हम नागपुर पहुंचे हैं, नागपुर में कुछ जगहों पर पहुंचे हैं जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या वास्तविक हकीकत है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कुंवर के साथ नागपुर के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग चौराहों पे हमने बहुत सारा मायना किया। जब हमने अलग अलग चौराहों पे देखा तो कई जगहों पे, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सुपर विन करके एक बोर्ड है, ऐसे खिलाड़ी हो, सुपर विन हो, लोटस हो, ना जाने कितने ऐसे ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप है, इनके एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गए। हालांकि नागपुर में पिछले कुछ दिनों से ही अभी ये देखने को शुरू हुआ है, पिछले कुछ दिनों में बंद हो चुका था लगभग, लेकिन आने वाले अक्टूबर में, यानी कि अगले महीने से वर्ल्ड कप का मैच शुरू होने वाला है, और वर्ल्ड कप से ठीक पहले इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट होना तो ठीक है, इसको होने देना सबसे बड़ा सवाल है। ये तो लीगल कहीं से है नहीं, तो फिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये लोग चाहे तो एक सोर्स पकड़ सकते हैं, जैसे होर्डिंग किसकी है, इस होर्डिंग पे जिसने ऐड लगाया एजेंसी की कौन सी है, उस एजेंसी को पैसा किसने दिया, फिर वहां से पैसा किसने दिया। यानी कि अगर ये होर्डिंग से अगर रिवर्स जाना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक आपको मिल जाएगा, यानी कि पुलिस प्रशासन को या फिर मान लीजिए जिलाधिकारी को भी मिल जाएगा। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक तरीके से जब अक्सर देखते हैं कि जुए पेरेड होती है, कहीं इलीगल एक्टिविटी होती है, लॉटरी होती है, उस पेरेड होती है, और होनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इस तरीके से जो ऑनलाइन गेमिंग है, खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, ये कौन से सेक्शन से, कौन से नियम से सही है, इसका जवाब समझ में नहीं आता है। फिर इसमें पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये खुल्लम खुल्ला है, कोई छुपा नहीं है, और ऐसा नहीं नागपुर के हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इस पे क्या पुलिस प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने क्या कार्रवाई नहीं करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में उत्पन्न होता है। एक सवाल है कि जो हमें दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, जो हमने यहाँ के लोगों से भी, आसपास के लोगों से बातचीत किया कि वो क्या सोचते हैं, और भी लोगों से बात करेंगे, तो फिर यहाँ पे सरकार को और सरकार संबंधित जो एजेंसी, उनको क्यों नहीं दिख रही है चीजें, क्यों नहीं बैन किया जा रहा है? इसे बैन करना चाहिए, बैन करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे पढ़ने लिखने वाले जो होते हैं, वो जब मोबाइल चलाते थे ज्यादातर ऐड इसी की आती है, वो नहीं बोलते हुए भी घर वाले मना भी करेंगे तो वो उसमें डाउनलोड करके देखेंगे कि नहीं ये होना चाहिए, खेल के देखेंगे, और एक बार खेल के देखते ही बाद में उनको लत लग जाती है कि वो कंटिन्यू करके देखेंगे, जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो घर वालों से पैसे निकाल के वो अकाउंट में डाल के वो पूरा खाली कर दे, तो ये बंद ही करना चाहिए। तो वो मोबाइल वाले ने, ऐप वाले ने बंद करना चाहिए ना, मिनिस्टर लोग से लेके तो पुलिस वाले तक सभी जन तो खेलते रहते, तो गरीब इंसान तो वो चीज में जाएगा ना, ऊपर के लेवल से मोदी जी ने बंद करने को होना है, आप सब ये होते हो। छोटे बच्चे हैं तो उनके लाइफ पे आगे चल के ये जो गेम है, जो बच्चों को आजकल बहुत ही ज्यादा मोबाइल का जो शौक लगा है, उसकी वजह से, इस गेम की वजह से उनका फ्यूचर आगे का बहुत ही खराब हो सकता है। उसमें हम पैसे वगैरह भी इन्वेस्ट करके वो उनका बैंक अकाउंट भी खाली करते हैं, तो ये उनके आगे के फ्यूचर के लिए बहुत ही बुरी चीज है। पुलिस ने भी कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारे समाज के और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर एक्शन ले सकते हैं, तो शायद उन्होंने ये करना चाहिए। खुल्लम खुल्ला चल रहा है, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, ये बहुत गलत चीज है। दोस्तों, आजकल हर न्यूज चैनल पे आपको देखने को मिलेगा कि सौरभ चंद्राकर, जिसने 200 करोड़ की शादी को 4-5-6 महीने बीत गए, लेकिन अभी ये चीजें लाई जा रही हैं, अभी शादी को उठाया जा रहा है, हर न्यूज वाले अभी उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले एक महीने के बाद में, यानी कि अगले महीने वर्ल्ड कप है, इससे हो सकता है कि सौरभ चंद्राकर और महादेव बुक का एक एडवर्टाइजमेंट हो रहा हो। खबरें आती कि ईडी ने 300 करोड़ जब्त किए, 400 करोड़ जब्त किए। भाई, सब कुछ ठीक है, अगर ईडी ने जब्त किया जरूरी है, तो फिर जब हम महादेव बुक आज भी जब हम ऑनलाइन इंटरनेट पर डालते हैं तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट ऑन होता है, आपने वेबसाइट क्यों नहीं बंद किया? सबसे पहले तो वहां अटैक करना चाहिए। आपने रेड किया, ठीक है, आपको इमीडिएट भारत से ये जो सट्टे की ऐप है, वेबसाइट है, उसको बैन करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो खुल्लम खुल्ला देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट चालू है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अभी भी हम इस संबंधित कई ऐसी जानकारी है जो लेकर आएंगे,
आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। सच दिखाए बिना छुपाए, सिर्फ NBC News पे। जय हिंद।